का सब्जी बननी मम्मी आज? आप सबकी दुआ से स्वस्थ हो गई, मस्त हो गई और देखो तैयार भी हो गई। अभी दोनों पार्टी आ गई, लड़की वाले भी आ गए और लड़के वाले भी आ गए। अभी नाश्ता दिलवाते हैं सबको। दोस्तों सगाई के लड्डू खा लो सब, गरम गरम पूड़ी। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो जी? ऐसा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। बताइए कैसे, क्या हाल है? सोनी तो यहीं सोई थी, हम छत पर सोए थे। राम राम ले लो। ये आँख थोड़ी जी ऐसी सूजन सी लग रही है, मुँह पर सूजन सी लग रही है। वो दिखा देंगे, वैसे दर्द तो ना वो बिल्कुल, रात को बिल्कुल बंद रहा है। अब पेट कैसा है? अब तो सही है। चलो तूने कहा तो बाहर घूमिया में है, पेट हल्का हो जाओ। चल आजा, चाय बना ली है वहाँ पे मम्मी ने प्लॉट पे। दोस्तों सर्दियाँ भाग गई, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम मस्त, ज़्यादा सर्दी नहीं है और धूप भी आ गई। ये देखो सूरज देव को दिखाऊं, ये देखिए आ गए सूरज देव। चाय पानी चल रहा है अपनी कुटरिया पे। हाँ फुपाई चाय पी ली। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम दोस्तों, राम राम ले लो सभी की। विवेक तो चाय में घुसा हुआ है, अंजू भी चाय पी रही है। टोस मंगाया को वैसे ही पी रहे है। ये को पैकेट खाएगी पूरी। का सब्जी बन रही मम्मी आज? पालक को पीस के आलू की सब्जी बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनती है। ला मेरे लिए चाय दो। आप भी पी लीजिए दोस्तों चाय, गरम गरम चाय। अरे मेरे कहा टोस्ट पोस्ट छोड़े डाने छोड़े, मंगाने पड़ेंगे। इटालियन एक रोड में हल्को आ जा पेट। अभी मौसम काफ़ी बढ़िया है, वैसे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, बस सुबह के टाइम में एक घंटे के लिए सर्दी रहती है, तो थोड़ी बहुत आग जला के बैठ जाते हैं। अभी हमारी जो ईंट पड़ी है, जो भी घर में से निकली थी पुरानी वाली, तो इनमें है ना दो तीन प्रकार की ईंटें हैं। कुछ तो एकदम पीली है, कुछ थोड़ी लाल है, कुछ यानी जैसे एक नंबर है, दो नंबर, तीन नंबर है। तो उसमें से हमको जो दो नंबर और तीन नंबर, ये दोनों ईंटों को हम काम में ले लेंगे, और जो तीसरे नंबर की ईंट है एकदम मिट्टी जैसी, उसको हम एक साइड में फेंकते जाएंगे, यानी उसको फर्श वगैरह के काम में ले लेंगे। तो अभी योगेश भी साथ में ईंट साफ करवा रहा है, और मैंने आज अंदाज़ा किया मैंने कि एक घंटे में देखता हूँ कितनी ईंटा साफ़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने एक घंटे में 100 ईंट साफ कर दी, इसका मतलब हम दो तीन लोग करेंगे तो इसको एक हफ्ते के अंदर जितनी भी हमारी ईंटें हैं सबको हम साफ कर लेंगे, तो हमारा काफ़ी पैसा बच जाएगा। इतनी ईंट पड़ी है इनमें से, अगर 7-8 हज़ार भी ईंट हम साफ कर लेते तो हमारा कितना पैसा बचेगा? 1,000 ईंट 7,500 रुपये की आ रही है। अभी इसको खोद के देखा पानी क्यों नहीं जा रहा, इस वजह से नहीं जा रहा, ये पूरा पाइप टूटा हुआ पड़ा है। अभी नहाना धोना चल रहा है दोस्तों, और अभी हम चल रहे हैं एक रिश्ता करवाने के लिए। बुआ नहा लें, सब तैयार हो गए, फूफा जी भी तैयार हो गए, हिमांशु नहा रहा है। देखिए दोस्तों हो गए तैयार, और सोनी के देखो अभी एकदम बढ़िया हो गई, मस्त। आप सबकी दुआ बहुत रंग लाई, आप सबकी दुआ से स्वस्थ हो गई, मस्त हो गई, और देखो तैयार भी हो गई। तैयार तो हंसी आ गई आज, ये समझो तसल्ली मिली। जब शाम को ही सही हो गई थी वैसे, लेकिन सुबह जब जागी एकदम बढ़िया हो गई, मस्त। चलाओ चलाओ फूफा, हमारे फूफा जी आज मोटरसाइकिल चलाएंगे। हैं हाँ चला लेते, अरे सब आइए बिक्की चला लेते मोटरसाइकिल, तो माँ लेकर पड़ेगी फूफा ने पे। हिमांशु तो मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, राजा की थे। हाँ अभी हम धौलपुर गांधी पार्क में आ चुके हैं, यहीं पे लड़का लड़की दोनों दिखाएंगे, पसंद आएंगे तो रिश्ता करवाएंगे। मैं यहीं पे आराम से पल्ली बिछा के बैठेंगे, अभी बुलाते हैं उनको भी दूसरी पार्टी को। और तप्पे जी झूला झूल रहे हैं? अच्छा मोबू झुला ले तो जल्दी आ जाओ। अभी दोनों पार्टी आ गई, लड़की वाले भी आ गए और लड़के वाले भी आ गए, अब दोनों के बात करवाते हैं। नगर भाई लंग को हाँ उसी सही है सही है। अभी सभी लोग आ गए, अभी सभी लोग आ गए तो सभी को चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा चलेगी।
और ये धौलपुर की जो पार्क है ना गांधी पार्क, इसमें रिश्ते ही ज्यादा होते हैं। देख लो हिमांशु राज तो झूला झूल रहे हैं, तो ना जलाना मैं जलाऊं, तो मैं जला रहा हूँ, मैं जला रहा हूँ। झूले हाँ चलो बस मुकता हो है। आयुष शिवानी और सतीश दोनों का रिश्ता हम करवा रहे हैं, तो दोनों की जोड़ी आप सभी को कैसी लगी आप बताना कमेंट में। ये है शिवानी, सोनी की बहन की लड़की। चलिए सबसे पहले सभी को चाय पिलाते हैं और उसके बाद में फिर नाश्ता लेने चलेंगे, तो नाश्ता करवा देंगे। अभी नाश्ता दिलवाते हैं सबको, पहले नाश्ता भी चल रहा है और देखो रिश्ते की बात भी चल रही है आगे की जो कुछ करना है। खवाए तो देऊ, ऐसे का खा लेंगी हाँ, खवाए तो देऊ। क्या हाल है? बहुत दिन आगे मिले, बहुत दिन आगे मिले। अरे वीडियो बन नहीं है, पहचान ले। औ औ औ औ औ क्या सो है? ये हमारी बुआ की लड़की का लड़का है, बहुत ही प्यारा हमारा भांजा। जब सगाई होती है तो लड़की के हाथ पे जो कपड़े वगैरह रखते हैं ना कुछ पैसे, तो वही कपड़े हैं ये। लेकिन सोनी लेकर गई मार्केट बाजार में और फिटिंग करवा के पहना के ले आई। अभी लड़के की सगाई और लड़की लड़के के दोनों का जो सगाई गोद भराई जो होती है वो कार्यक्रम चल रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं और यहाँ की जो पार्क वगैरह में रीति रिवाज जो चल रही हैं वो आपको बताएंगे। और ये लड़की के ताऊ जी, तो ये लड़के को पक्का करेंगे, यानी हाथ पे सिक्का रखेंगे। सिक्का रखने के बाद लड़का हो जाता है पक्का, सगाई और आगे का जो कार्यक्रम है उसके बाद में होगा फिर। तो इनको थोड़ा बैटरी में दिक्कत होती है, पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे बैठे हैं। और जो ये रिश्ता हम करवा रहे हैं ये हमारे रिश्तेदारी हैं दोनों की, वो लड़की जो है सोनी की दीदी की लड़की है और जो लड़का है वो हमारी बुआ का लड़का है। तो इस प्रकार से हम दोनों का रिश्ता करवा रहे हैं और ये लड़की है और वो लड़का है, दोनों की जोड़ी देख सकते हैं आप। कैसी लगी कमेंट में हमको ज़रूर बताना। और दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि आप दोनों लड़का लड़की को आशीर्वाद दें अपना, कि अपनी लाइफ में खुश रहें हमेशा, हंसते मुस्कुराते, माता पिता बड़ों का आदर सम्मान करें और मिलजुल कर रहें, उम्र के साथ प्यार बढ़ता रहे बस यही, और भगवान की कृपा हमेशा दोनों के ऊपर बनी रहे। अभी सगाई कार्यक्रम चल रहा है, लड़के के हाथ पे जो सिक्का रख देंगे, कपड़े 5 कपड़े होते हैं, तो ये अभी सगाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद में लड़की लड़का दोनों रिंग यानी अंगूठी पहना देंगे एक दूसरे को। लड़की के फूफा जी करेंगे नौछावर और यहाँ से आगे फिर ये डिब्बे वगैरह देंगी, गिफ्ट वगैरह लड़की की बुआ दे देंगे मिठाई के डिब्बा, और जो कुछ पैसे होते हैं वो डिब्बे पर रखते हैं ऐसे तो देते हैं। ये लड़की की चाची है सबसे छोटी, वो भी डिब्बा देंगे। ये पक्का शादी का ये क्या बोलते हैं सगाई पक्की हो गई है। ये लड़की की ताई है, ऐसे ही फिर लड़के वाले देंगे हैं लड़की को। हाँ। और ये लड़की की भाभी है। तो पहला नंबर लड़की वालों ने लिया, उसके बाद में फिर लड़के वाले लड़की को देंगे, यानी दोनों तरफ से लेना देना चलता है सगाई में। लास्ट में अब आएगी लड़की की मम्मी। हाँ, लड़की की मम्मी यानी मेरी दीदी। हाँ, सोनी की बड़ी बहन है। और ये सोनी के जीजा जी हैं।
लड़की के पापा जी। ये शिवानी का छोटा भैया, छोटा भाई वो कहाँ का? राहुल। और ये है लड़के की बहन, मेरी बुआ की लड़की है जो कि तोड़िया पहनाएंगी और अभी सगाई हो रही है। एक दूसरे को अंगूठी पहना। बुलेट आ रहा भैया, ये पीछे कौन है? गए अब लड़के वालों की तरफ से लड़की को देने का नंबर। देखो सोनी कैसे भलाइयां लेती है, बस दो बार ही लेके रह गई, चार पांच बार लेती पूरी नजर उतर जाती। लड़के की तरफ से कौन है? सोनी, जसोदा, अर्चना है और हमारी बुआ जी और हमारी कंचनिया बुआ जी। हमारी बुआ की लड़की, लड़की की सास, लड़की की सास, दोनों छोटी छोटी हैं और सीधी हैं। अभी डिब्बे के साथ में कपड़े भी होने चाहिए, तो कपड़े तो पहले ही सिवानी पहन के बैठ गए, पहले ही सोनी फिटिंग करवा के पहने। देख हमारी बुआ लेती है भलाइयाँ, ऐसे लेनी चाहिए। अभी सगाई प्रोग्राम पूरा होने को है बस, और अब आप सब अपने दोनों हाथों से दोनों बच्ची बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप भी सगाई में शामिल हो गए हो। जब आप पूरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको भी लगा होगा कि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस नाश्ता में से रह गए बाकी तो आप शामिल हो सगाई में, तो इसलिए आप भी बच्ची बच्चे को दोनों को आशीर्वाद दीजिए। और देखो ये सबको गिफ्ट में दिया है लड़की वालों ने, लड़के वालों को एक एक जग मग्गा पानी पीने के लिए। और ये रहे दोनों समधी समधी, तो अभी दोनों समधी समधी का जो मिलनई वगैरह बोलते हैं ना, मिलनई होती है कि और कुछ बोलते हैं, भेंट 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 बोलते हैं, तो सभी भेंट दे रहे हैं। जो छोटो है अरे ढेर से लगा दो, तेरे को सीधे लगा कर बज तो कौन है भाई? अभी पूरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया और सभी को एक साथ खड़ा करके एक फैमिली फोटो निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया। जब कभी भी ये फोटो देखने को मिलेगी, जो भी देखेगा तो सबको याद आएगी कि हाँ हम वहाँ पे सगाई में गए थे और ये सगाई वाली फोटो है। बस अभी समनियों की राम राम श्याम श्याम होगी और अपने अपने घर चलेंगे। और ये हैं यहाँ की जो पार्क को साफ सफाई अच्छे से रखती हैं, तो इनको भी कुछ देने का हक बनता है, क्योंकि ये भी सफाई करती हैं और दुआ देती हैं, तो उनको भी जो भेंट वगैरह थी उनकी पहुँचा दी। और अभी हम चले, अभी पूरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरह से हो गया और काफ़ी आनंद आया। देखो सभी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। देखो तुम अपने कल वीडियो में और देख लियो हैं, चल।
समादिन ते मिल लो समादिन समादिन अरे ये आवा आवा अच्छा लग रहा है राम राम। चलें दोस्तों अब हम घर पे चलते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बाइक पे जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। गए दोस्तों अब वापस अपने घर और रिश्तेदार भी देखो कितने आज हमारे घर, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों सगाई के लड्डू खा लो, सभी लोग लड्डू का नाश्ता कर रहे हैं, भूख लग गई इस समय। पूरा डब्बा खाली, दो डब्बे खाली कर दिया। अभी साग सब्जी बनाते हैं और सब्जी में बनना ये है अभी मटर और आलू सबके लिए। यहीं पे अपना भंडारा चलेगा। अभी तराई कर रहा है योगेश। सर्दियों में ये फायदा तो है, एक बार तलाई कर दो चार पांच दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, चार पांच दिन के बाद तलाई करनी पड़ती है। ऐसे ही ठंडा कम ना पड़ रही है तो ताप ही रहे सब है। जाओ तो गर्मी लग रही, सर्दी लग रही है, ताप रहे हैं इस समय। बस इधर खाना बन रहा है अपना, खाने में बन गई मटर आलू की सब्जी और रोटी बनेगी बस अब। गरम गरम पूड़ी, पूड़ी सब्जी दही पूरा। देख 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 ले जा जाओ 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 बैठ गया जाए आरी खिलाई लेगी बैठी बैठी पूरी खाएंगे तो पूरी ले ले नानी पूरी दे दे लाओ तो अभी खाना खा लीजिए दोस्तों।